जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, कई लोगों की कमेंट्स आ रही है कि जो उनका मिल्कत है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो बिक नहीं रही है। तो ऐसे में वो लोग ये काम कर सकते हैं, जो भी उनके जमीन मकान के जो भी पेपर्स हैं, उनको आप दक्षिण दिशा में रख दीजिए। दक्षिण दिशा में उनको आप रख दीजिए, कहीं पर भी इस तरह से रख दीजिए कि वो ज़्यादा नज़र में ना आए, इस तरह से रख दीजिए। आपका काम बहुत ही जल्द हो जाएगा। यदि आप नया मकान लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा है और थोड़े की ज़रूरत है, यदि ऐसी स्थिति में आकर के रुक गए हैं, तो मंगलवार का व्रत कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आपका जमीन और मकान का जो भी फैसला है वो हो जाएगा, और यदि आप नया लेना चाहते हैं तो वो भी ले पाएंगे। काफ़ी लोगों पर बिना मतलब के केस हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खा खा कर वे लोग परेशान हो गए हैं। यदि आप पर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है, आप निर्दोष हैं, और फिर भी यदि आपको किसी न किसी तरीके से उसमें फंसा जा रहा है, तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, तपेली ले लीजिए, पतेली, कोई ऐसा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसके अंदर रखकर ताला लगा दीजिए। जो घर में ताला लगाते हैं लोग, वो लगा दीजिए, और चाबी को अपनी जेब में डालकर जब भी आपका डेट हो, सुनवाई हो, उसमें चले जाए। जिस दिन आपकी सुनवाई हो, उस दिन आपको ये क्रिया करनी है। फैसला आपके हक में ही आएगा, सामने वाला बिल्कुल कुछ भी बोल नहीं पाएगा। बहुत ही असरकारक उपाय हैं, इनको कर लें। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ गया है या आपसे दूर चला गया है, ऐसी कोई अवस्था आ गई है कि जिसमें आप संपूर्ण रीति से सही हैं और सामने वाला व्यक्ति यदि आपको ठुकरा करके चला गया है, आपके साथ में है लेकिन आपकी एक बात नहीं सुन रहा है, यदि ये स्थितियां हैं, तो इन स्थितियों में यदि आप इस उपाय को करते हैं, तो आप जैसा चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति उसी तरह से आपके साथ में रहेगा। लेकिन इसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंच सकें, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि आपको करना क्या है। देसी पान एक ले लेना है, साथ श्यामा तुलसी के पत्ते ले लेने हैं आपको, और कपिला गाय का दूध ले लेना है। कपिला गाय का दूध आपको इतना लेना है कि जिसमें ये दोनों चीज़ें मिलाकर पीस ली जाए, थोड़ा लसपस जैसा बन जाए, थोड़ा इस तरह से बना लेना है, इसको लुगदी जैसा बन जाए, फिर इसको कपड़ छन्ने से दबाकर इसका रस निकाल लीजिए। श्यामा तुलसी के सात पान लेने हैं, एक देसी पान लेना है, कपिला गाय का दूध लेना है, इन सबको पीस के एक लुगदी बना लेनी है, उसका रस निकाल लेना है। उस रस से सामने वाले व्यक्ति का नाम किसी भी सफ़ेद कागज में, एकदम कोरे कागज में जिसका आपने पहले उपयोग न किया हो, किसी भी तरह के लीटे दाग या धब्बे न हो, ऐसे में बीच में सामने वाले व्यक्ति का आप नाम लिख लें। इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिन की पाबंदी नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। इसके बाद दूसरे दिन जब आप स्नान आदि कार्य से मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, उसके बाद जब आपका जो पूजा का स्थान हो वहां पर इसे रख दें। जिस किसी भी देवी देवता को आप ज़्यादा मानते हैं, उसकी तस्वीर या प्रतिमा के पीछे आप इसको रख दें। यदि आपके घर में पूजा का स्थान नहीं है, तो उत्तर पूर्व दिशा में आप इसे रख दें, और नित्य प्रति सवेरे स्नान आदि से
कार्य से आप मुक्त होकर के इसके सामने 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जितना भी समय हो बैठ जाएं। बहुत ही जल्दी वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में होगा, आप तक पहुंचने का अवश्य प्रयत्न करेगा और आप तक आ जाएगा। जब वो आपके पास आ जाता है, उस समय आपको फिर ऐसी ही लुगदी तैयार करनी है और उसके 7 टीपे 7 बूंदे इस जो लुगदी का जो रस से आपने नाम लिखा था, इसकी 7 बूंदे किसी भी तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपको पिला देनी है। चाहे दूध में मिला के देते हैं, चाहे चाय में मिला के देते हैं, चाहे किसी भी मिठाई में मिला कर दे दें, किसी भी तरह से उसको आप खिला दें, वो ग्रहण कर ले, ऐसा कर दें। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ वो बंधा रहेगा। और यदि आपके साथ है तो डायरेक्टली आप दूसरा वाला उपाय कर सकते हैं, तो भी वो हमेशा आपकी ही बात मानेगा, चाहे वो आपका पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, चाहे कोई भी हो। आप डायरेक्टली यदि आपके साथ में है तो दूसरा वाला उपाय कर दीजिए, वो हमेशा आपकी ही बात मानेगा, आप जो भी उसके लिए कहेंगे सुनेंगे उसी बात को वो सत्य मानेगा। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों के काम बनेंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।